वेलकम बैक टू माय चैनल। एक बार फिर से स्वागत है आपका हिंदी प्रेगनेंसी कॉर्नर में एक नई वीडियो के साथ, एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। उम्मीद है आपको हमारी और वीडियोस की तरह आज की ये वीडियो भी पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ओवरी पर होने वाले सिस्ट की। अक्सर मुझसे महिलाएँ पूछती हैं कि क्या ओवरी में सिस्ट होने से मैं माँ नहीं बन पाऊँगी। माँ ना बन पाने के कई कारण होते हैं, जिनमें से ओवरी पर सिस्ट होना भी एक कारण है, पर ये इतना गंभीर विषय नहीं है यदि इसका सही समय पर पता चल जाए और सही इलाज हो जाए। सामान्यतः ओवरी पर सिस्ट होना माँ ना बन पाने का कारण नहीं होता, पर इसके भी कई प्रकार होते हैं। उन प्रकार में से कुछ ही माँ ना बन पाने का कारण बनते हैं। ओवरी पर यदि बहुत अधिक मात्रा में छोटी छोटी सिस्ट हैं तो इस कारण आपका पीरियड भी रेगुलर नहीं होगा, क्योंकि ये हार्मोन्स ज़्यादा मात्रा में रिलीज़ करते हैं और प्रेगनेंसी में दिक्कतें ला सकते हैं। कुछ सिस्ट आपकी प्रेगनेंसी में किसी प्रकार की परेशानी नहीं लाते, पर उन्हें ठीक करना बेहद ज़रूरी होता है। कुछ सिस्ट में पस, बाल, स्किन आदि भी होते हैं जिनका इलाज करवाना बेहद ज़रूरी है, नहीं तो ये आगे चल के तंग करते हैं। यदि आपके पीरियड्स रेगुलर नहीं हैं, हमेशा कुछ दिन, सप्ताह या महीने के बाद ही पीरियड आते हैं, तो आपको डॉक्टर से सलाह लेने की आवश्यकता है। इसके कुछ संकेत भी होते हैं, जैसे पेट का फूला रहना, खाना पचने में परेशानी, अनियमित पीरियड, फ्रेश होने में परेशानी। इन संकेतों को जानिए और समझिए और सही दिशा में कदम बढ़ाइए, क्योंकि इन संकेतों से आप आइडिया लगा सकती हैं कि आपकी ओवरी में सिस्ट की शुरुआत हो रही है या फिर काम बढ़ चुका है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो नॉलेजेबल लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल के साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी और वीडियोस के लिए, और बेल बटन ज़रूर प्रेस कर लिया कीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस के सही टाइम पे नोटिफिकेशन मिल पाएँ। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए अपने किसी भी सवाल का जवाब जानने के लिए। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।